आई everyone, welcome वेलकम टू IAS. My name is Rohit नेम and रोहित दर्चा एंड दिस सीरीज the कॉल्ड टू द पॉइंट एक ऐसी सीरीज जहाँ पे हम लोग करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसे से कि ऐसे कौन से करंट अफेयर्स हैं जिनके ऊपर डायरेक्टली जो है आपके प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन आ सकता है एंड एवरी वीक वी रिलीज थ्री वीडियोज दैट मीन्स यूर थ्री टॉपिक्स आर कवर्ड एवरी वीक और आप देख सकते हैं कि ईरली बेसिस के ऊपर आपके कितने मेजर टॉपिक्स जो है वो प्री के लिए जो है कवर हो जाते हैं हाईली क्यूरेटेड टॉपिक्स की करंट अफेयर बहुत वास्ट एक सब्जेक्ट uh, मैटर आपके पास छोड़ के जाता है उसमें से सिलेक्शन बहुत जरूरी होती है एंड करंट अफेयर्स में जितनी भी सिलेक्शन है वो उसी हिसाब से होती है कि यार क्या क्या इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के अंदर क्या क्या पूछा जा सकता है एंड अभिमन यू आईज इज़ अ प्लेटफॉर्म विच प्रिपेयर यू फॉर योर यू पी एस सी एंड पी सी एस एग्जामिनेशन जर्नीज इट हैज़ मोर देन ट्वेंटी थ्री ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड हैज गिवन आउट मोर देन ट्वेंटी टू हंड्रेड पॉजिटिव रिजल्ट सिंस नाइनटीन नाइनटी नाइन एंड टू द पॉइंट के अंदर तो हम लोग बात करते हैं <coughs> करंट अफेयर की प्रीलियम इज दिसरेज फॉर बोथ प्री एज वेल एज मेन्स एंड इट इज अवेलेबल इन बोथ ऑफ लाइन एज वेल एज ऑनलाइन फॉर्मैट एंड यू हैव ऑफ एक्सेस यू गेट थ्री थिंग्स इन दिस नंबर वन यू गेट द क्लास जिसको अगेन आई हैव टोल्ड की दोनों फॉर्मैट के अंदर जो है अटेंड कर सकते हो सेकेंड वन इज द पी डी एफ जो की आपके वीकली करंट अफेयर जो है आपके इसके अंदर जो है कवर हो जाते हैं और आप हर वीक के करंट अफेयर को कवर करते रहते हो साथ साथ जो कि अगेन हाईली क्यूरेटेड करंट अफेयर रहते हैं आ, जो करंट अफेयर्स के अंदर इन डेप्थ जो हमें रिसर्च करनी होती है ऑलरेडी इनके अंदर जो है वो रिसर्च डन होती है नंबर थ्री आर दी वीकली टेस्ट्स वीकली टेस्ट जो कि उन्हीं करंट अफेयर्स के बेस के ऊपर टेस्ट होता है तो दैट मीन्स कि आपका जो करंट अफेयर है वीकली बेसिस के ऊपर कंप्लीट हो जाता है पूरा हो जाता है इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा इससे बाहर को आने के कोई चांसेस ही नहीं है कि करंट अफेयर क्वेश्चन आया और इन चीजों में वो कवर ना हुआ हो एंड uh, जो क्लास है इट हैपेंस ऑन सैटरडे सैटरडे एंड एंड मंडे मंडे को जो है वो आपकी क्लास इट टेक्स प्लेस और इन के अंदर जो प्रीवियस वीक गया होता है लास्ट मंडे से लेके इस मंडे तक सारे जो करंट अफेयर्स हैं वो इसमें कवर हो जाते हैं राइट right. अभी हम आज के टॉपिक पे चलते हैं अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल टॉपिक न्यूक्लियर फ्यूजन का टॉपिक है ये अब क्यों इसको हम अब पढ़ रहे हैं क्योंकि हालांकि एक स्टैटिक का पोर्शन भी बनता है करंट अफेयर्स के अंदर हम इसको इसलिए कर रहे हैं कि अभी एक सस्टेनेबल रिएक्शन जो है वो अचीव हुआ है वट डू वी मीन बाई सस्टेनेबल रिएक्शन इट मीन की पॉजिटिव एनर्जी आउटपुट का रिएक्शन है कि जितनी एनर्जी उस रिएक्शन को जनरेट करने के लिए लगती है ना तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि उससे ज्यादा एनर्जी हमने उससे हार्नेस करी है उससे मिली है हमें तो एक पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट टाइप सिनेरियो आपके सामने देखने को मिलता है कॉन्टेक्स्ट देखते हैं इसका कि क्यों हम इसको देख रहे हैं जो मैं बात अभी कर रहा था लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी कैलिफोर्निया ने अनाउंस किया दैट दे हैड क्रॉस्ड लॉन्ग अवेटेड माइलस्टोन इन रिप्रोड्यूसिंग द पावर ऑफ द सन इन अ लेबोरेटरी पावर ऑफ द सन बेसिकली वो न्यूक्लियर फ्यूजन की बात ही कर रहे वे हैं कि सन भी आपको पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड करता है

था वो उसके बाद में जो है आपको ये वाला देखने को मिला है एंड to uh, इसको हम अभी जो है देख रहे हैं दिस इज दिन पॉइंट यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है इनिशियट करने से ज्यादा हमने जो है एनर्जी uh, ले लिया है उससे ये क्या होता है दे आर रेफरिंग टू इट एज समथिंग कॉल्ड नेट एनर्जी गेन अगेन समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फ्यूजन के अंदर फर्स्ट टाइम जो है नेट एनर्जी गेन यहाँ पे हुआ है इस थ्रू लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी हालांकि देखो प्री में इस टाइप की इंफॉर्मेशन को पूछा नहीं जाता है बट इट इज गुड टू नो इट तो थोड़ा सा आप इजी हो जाओगे अगर आपको ये पता है और अगर कोई टेढ़ा मेढा क्वेश्चन आता भी है तो आप थोड़ा ध्यान में रख सकते हैं रिपीटिंग इट टाइम्स की हुआ क्या है इट नेट नेट एनर्जी 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 गेन गेन वो हमने बता दिया कि कि क्या मतलब हुआ इसका कि जितना उसको इनिशिएट करने के लिए लगी थी उससे ज़्यादा न्यूक्लियर फ्यूजन इज दोसे न्यूक्लियर ज्वाइंटेदर इनटू वन न्यूक्लियस ठीक है दो न्यूक्लियर प्लाज्मा स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्री, फ्री फ्रीली फ्लोइंग टुगेदर तो टू तो फॉर्म वन न्यूक्लियस जिसका एटॉमिक वेट उससे ज्यादा होगा इसके अंदर ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे रादर देन जितने इंडिविजुअली इसके अंदर थे द फ्यूजन ऑफ टू एटोमिक एटॉमिक न्यूक्लिया

ऑन दी अदर एंड फ्यूजन के अंदर देर आर मेटल्स, ना वहाँ पे वो लोग जब उसको स्प्लिट करते हैं वहाँ से एनर्जी मिलती है यहां पर कंबाइंड एनर्जी मिलती है बेसिक चीज है बस यहाँ पे क्यों इसको हाईलाइट किया गया है कि मान लो है आपके पास पॉइंट आता है तो वी हैव टू बी केयरफुल की यार कोई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर है uh, uh, ना दे फ्यूज टूगेदर तो वो स्टेटमेंट गलत होगी लाइटर आइसोटोप्स फ्यूज टूगेदर

ना उसमें सॉलिड लिक्विड गैस प्लाज्मा तो अगर ये चार ऑप्शन आते हैं तो बहुत इजी इसके अलावा अगर टेक्निकल टर्म दे दिया टेढ़ा मेड़ा सा तो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो अ हॉट चार्ज गैस मेड पॉजिटिव एंड फ्री मूविंग तो जब एक एटम के थ्रू उसके जो इलेक्ट्रॉन्स उसके आसपास थे वो फ्री फ्लोइंग हो गए तो ये क्या बचा दिस विल बी पॉजिटिवली चार्ज राइट तो उसकी बात हो रही है यहाँ पे

नाउ बिकॉज इलेक्ट्रॉन आर फ्रीली फ्लोइंग उसके हाउ द मैटर इज कंट्रोल्ड नाउ फोर्स इन देंसो मैनेज कैसे करते हैं हम द प्लाज्मा इज देन कंट्रोल्ड बाईमंगस मैग्नेट्स ह्यूज मैग्नेट्स मैग्नेट्स की तरफ से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को यूज करके इसको कंटेन किया जाता है चलिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो ये इट मे साउंड लाइक ही ये प्री में आएगा में साउंड लाइक ये बट ये प्री का पार्ट भी बहुत आसानी से बन सकता है राइट कैसे नंबर वन एबंडेंट एनर्जी एडवांटेजेस क्या केमिकल रिएक्शन के अंदर भी एसेंशियली फ्यूजन टेक्स प्लेस राइट जैसे सॉल्ट का एन ए सी एल होता है ना इफ यू रिएक्ट एच सी एल एंड एन एच

सस्टेनेबिलिटी, फ्यूजन आर वाइडली अवेलेबल एंड कैसे? क्योंकि आप को, हाइड्रोजन और और uh, right? uh, तो कोई एमिशन नहीं है, है ना एनवायरमेंट फ्रेंडली नो लॉन्ग लिव रेडियो वेस्ट न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर्स प्रोड्यूस नो हाई एक्टिविटी लॉन्ग लिव न्यूक्लियर वेस्ट एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर दैट इज की इट ना इट फिजल्स अवे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी कंडीशन जब एक साथ मीट होती हैं उसके बाद में फ्यूजन टेक्स प्लेस एंड इफ आर द रिएक्शन स्टॉप विद इन सेकेंड्स इमिजिएटली आसान भाषा में कहें तो इसका मतलब ये है दैट न्यूक्लियर फ्यूल डज नॉट वॉन्ट टू बी बर्न जो इसका फ्यूल है वो जलना नहीं चाहता है वो कंज्यूम होना नहीं चाहता है तो उसको कंज्यूम करने के लिए आपको बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स और बहुत सारी चीजें अप्लाई करनी पड़ती है एंड एनीथिंग रिएक्शन स्टॉप्स इमीजिएटली तो कोर मेल्ट डाउन है ना वेस्ट uh, लीकेज ये सब नहीं होता है इसमें तो इट इज वे मोर सेफर देन न्यूक्लियर फिजन राइट जिसको हम अभी तक अपने रिएक्टर्स के अंदर जो है यूज करते आ रहे हैं दैट इज वाई वी आर वर्किंग ऑन दिस टेक्नोलॉजी तो वो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे राइट सो दिस वॉज टूडेज टॉपिक एंड बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक है इसके ऊपर प्री के अंदर जो क्वेश्चन है उनके आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं तो लास्ट के जो मैंने आपको दो चार पॉइंट्स बताए हैं वो आप जरूर ध्यान में रखना और इन केस अगर आपको उसको रिवाइज करना जिस वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए आप उसको दोबारा भी सुन सकते हैं एंड अगेन उसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है इसका एग्जाम में पूछा जाए ऑल्सो वन मोर थिंग दैट जो हमारी करंट अफेयर्स की क्लास चलती है उसका यू गेट अ सेवन डेज फ्री ट्रायल एज वेल जो आपको स्टार्टिंग में बता रहा है जिसके अंदर यू गेट थ्री थिंग्स यू गेट अ सेवन डेज फ्री ट्रायल तो लिंक इज डाउन देयर आप खुद ट्राई कीजिए एक बार है ना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लीजिए क्लास में आइए देखिए बैठिए और बी पार्ट ऑफ द डिस्कशन बी पार्ट ऑफ द हेल्दी क्लास इन्वायरमेंट एंड आफ्टर दैट आप आप देख सकते हैं किसे कंटिन्यू करना है कैसे करना है माय नेम इज रोहित गर्चा एंड दिस सीरीज इज कॉल्ड टू द पॉइंट एंड यू आर वॉचिंग अभिमन्यू आई